नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। जनता के दिलों तक पहुंचने के लिए विपक्षी पार्टी एक तरफ जहां इकट्ठी हो रही हैं, नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बैठकों का दौर जारी कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी विधायक दल की बैठक की, जिसमें सभी विधायकों को निर्देश दिए गए कि वे दूसरे जिलों में जाकर पांच पांच जनसंवाद करेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर उसे सीधा जुड़ा जा सकेगा, उसे निपटारा किया जा सकेगा। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खुद भी लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, साथ ही समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी मतदाताओं को लुभाने के साथ ही जीत के लिए मेहनत भी जुट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी जहां तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई सत्ता को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। लेकिन सियासत में असली किंग मेकर जनता होती है, और जनता इस बार किसे गद्दी पर बैठाएगी ये तो समय तय करेगा। पूरे हरियाणा में जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, सांसद, सभी जनता के लोगों के बीच जाएंगे। जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन सबको उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। जो नहीं होंगे मुख्यमंत्री कार्यालय में। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अभी हमारे सांसद और मंत्री जनसंवाद कर रहे थे, अब विधायक भी अपने विधानसभा में तो जाते ही रहते हैं, उसके अलावा अन्य विधानसभा में जाए, ऐसे वो पांच पांच दिन लगाए। उनसे भी उनकी तिथियां मांगी गई है, अपनी सुविधा अनुसार विधायकों ने तिथियां दी है, और अपनी किस विधानसभा में जाना चाहते हैं वो भी बताया। वहीं सवाल है कि 2024 के चुनाव में आखिर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि 2024 में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव हैं, और बीजेपी कांग्रेस पूरी तरीके से अपने हथकंडे अपना रही है। आज इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं केवल सिंह ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं ओंकार सिंह INLD के रूप में प्रवक्ता के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पहला भूपेंद्र गहलावत जी आपसे, लगातार सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप जनता के बीच में जाइए, जनसंवाद करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, आने वाले कल में चुनाव है, हमें फिर से जीत पर गद्दी पर आना है, कैसे संभव होगा? देखिए रवि जी, पहले तो मैं सभी साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार करता हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है, और हमारा संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हर समय 24 घंटे और 12 महीने लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, और लोगों के बीच में रह करके उनकी दुख तकलीफ को साझा करता है, उनको दूर करने का काम करता है। ये हमारी कोई नई बात नहीं है कि भाई चुनाव आएगा तब हम ऐसा करेंगे। हम तो पूरे के पूरे 365 दिन हमारा सारा संगठन फील्ड में रहता है और लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करता है। देखिए, उसके बाद भी हमारी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे क्योंकि कुछ क्षेत्र में विधायक नहीं है, इसलिए हमने दूसरे विधायक जो है उनकी उन क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई है कि कोई जनता की अगर समस्या है और वो किसी तरह से नहीं जा पा रहे, कार्यालयों में नहीं जा पा रहे, और गांव में जाकर के उनकी ड्यूटी लगाई है कि आप वहां जाकर के लोगों की समस्याओं का पता करें और उनको हल कराने का काम करें, ये हमने विधायकों की ड्यूटी लगाई है। और हम चुनाव के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं हरियाणा प्रदेश में भी और देश में भी, उनसे प्रभावित होकर सभी लोग आज बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कोई किसी पार्टी से लोग छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं। देखिए, मैं तो किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरे संगठन जो हमारे हरियाणा प्रदेश में है, खासतौर पर तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा, पिछले 9-9.5 साल से इनका संगठन ही नहीं बना। तवर जी प्रधान बने, उनका क्या हाल हुआ? शैलजा जी प्रधान बनी, उनका क्या हाल हुआ? और अब उदय भान जी का भी, जो तवर का हाल हुआ था,
वही होने जा रहा है। और ये तो पता नहीं संगठन कैसा संगठन है, जिलों में मीटिंग होती है तो लात घूसे चलते हैं, और इनको यही नहीं पता, इनकी कोई लाइन ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन शैलजा कुछ कहती है, उदय भान कुछ कहते हैं। और देखिए मैं तो कहता हूं ये तारिक देखे, इनका जो प्रभारी भावरिया है वो भी बेचारा थक गया, 10 दिन में कर देंगे, 10 तारीख को कर देंगे, 20 तारीख को कर देंगे, लेकिन संगठन इनका नहीं बनेगा। जिसका संगठन ही नहीं होगा वो चुनाव कहां से लड़ेगा। दूसरे मेरे साथी ओमकार जी हैं, मैं इनकी भी बात करता हूं। इन्होंने पदयात्रा पहले भी की, दोबारा से पदयात्रा शुरू की है। ये चुनाव लड़ने के लिए पदयात्रा इनकी नहीं है, ये तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस की गोदी में बैठना चाहते हैं, और कांग्रेस वाले इनको अपनी गोदी में बिठाना नहीं चाहते। ये तो अपना थोड़ा सा मेहनत करके बिल्कुल और ये चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गहलावत जी, हमने तो पूछा था कि आपकी पार्टी की क्या हालत है, और विधायकों मंत्रियों सांसदों को भी निर्देश दिया गया कि आप जनसंवाद करें। आप ढींगरा साहब तक पहुंच गए, ओंकार जी तक पहुंच गए। ढींगरा जी देखिए देखिए जी जी गहलावत जी, गहलावत जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल गहलावत जी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन केवल ढींगरा साहब नहीं 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 देखिए चुनाव लड़ना है, जिसके संघर्ष करना है, जिसके साथ सामने चुनाव लड़ना है, उसकी तो हमें बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, ये तो है नहीं कि जो आप सवाल करोगे हम उसका वैसे ही जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बिल्कुल, तो पूरी तैयारी है, लेकिन तैयारी किसके खिलाफ जी। बिल्कुल ढींगरा साहब आपके पास आना चाहते हैं, लगातार बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, जनसंवाद किया जा रहा है, जनता के बीच में जाया जा रहा है, योजनाओं को बताया जा रहा है। 2024 में लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव हैं, सरकार प्रदेश से लेकर यानी कहा जाए कि केंद्र तक दोनों पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं, कैसे सामना करेंगे ढींगरा साहब? देखिए जनसंवाद तो मुख्यमंत्री जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसी को चांद पर भेज रहे हैं, किसी को कह देते हैं कि इसको उठा के बाहर कर दो, किसी को कहते हैं कि अगर हमारे साथ अगर कोई बात करने की कोशिश करी तो मेरे पास पुलिस फोर्स है, उठा करके उसको लाठियों से भांजेंगे और बाहर फेंक देंगे। ऐसे तो जनसंवाद हो रहा है ना, क्योंकि 9 साल में अगर कोई काम किया होता तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई नौकरी मांगने आती है लेडी तो उसको कहते हैं चंद्रयान पे भेज देंगे तुम्हें, तो ऐसे काम कर रहे हैं ना, ये जनसंवाद हो रहा है। क्योंकि 9 साल में मैं आपको बताना चाहता हूं क्या किया इन्होंने। सबसे पहले जब 2014 में खट्टर सरकार सत्ता में आई, जाट रक्षण हुआ, रामपाल मामला हुआ और राम रहीम मामला हुआ, जिस मामले में 3 बार गोली चली हरियाणा के अंदर, और पुलिस ने जो गोलियां चलाई छाती और माथे पे गोलियां चलाई और कम से कम 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए। उसके बाद 3 काले कानून लेकर आके आए हरियाणा में किसानों के लिए, और तकरीबन 100 दिन तक जो है किसानों को सड़कों के ऊपर बिठा कर रखा और उनकी इतनी पिटाई करी, जो उनकी लाठी चार्ज किया, अश्रु गैस छोड़ी उनके ऊपर, कीले बिछाई, उनकी बहुत तरह से मुरम्मत करने की कोशिश करी किसानों की इन्होंने। उसके बाद मोदी जी ने आके जब 750 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद आके ये कह दिया कि ये जो काले कानून थे मैं लोगों को समझा नहीं पाया किसानों को और मैं इनको वापस लेता हूं। उसके बाद आइए, उसके बाद जीएसटी की नॉन इंप्लीमेंटेशन हुई जिसमें अनर्गल टैक्स थोपे गए, 12%, 18%, 28%, 40%, 70%, 150% पेट्रोल डीजल पे टैक्स थोका गया, जिससे आम लोगों की गाड़ी कमाई को लूट लिया इन्होंने। उसके बाद 2019 आ गया, 2019 के अंदर बीजेपी और जेजेपी का एक गठबंधन हुआ जिसमें बीजेपी कह रही थी हम 75 पार जाएंगे, लेकिन लोगों ने इनको 47 सीटें आई थी वो 47 पे भी नहीं छोड़ा, 40 पे छोड़ दिया, जिस पे इनका पूरा मैंडेट नहीं आया। और इन्होंने उस आदमी को, उस पार्टी को साथ मिलाया जो कह रहे थे कि हम बीजेपी को यमुना पार पहुंचा देंगे दिल्ली से पार, उन लोगों को साथ गठबंधन करके भ्रष्टाचार में लगातार पूरे 4 साल से लगे हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं कितने घोटाले हुए, कितने भ्रष्टाचार हुए, धान घोटाला हुआ, बिजली का मीटर की खरीद का घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि पेपर लीक इतने हुए कि आप ये देखिए कि कोई भर्ती नहीं कर पाए, और लगातार पेपर लीक होते रहे, और ये लोग रिश्वत पे रिश्वत, अमाउंट पे अमाउंट, और हमारे जो बच्चे हरियाणा के लगने चाहिए थे वो हरियाणा के नहीं लगे,
वो जो भी इन्होंने थोड़ी बहुत भर्तियां करी वो बाहर के बच्चे आउटर स्टेट के, और वो भी पैसे ले लेकर किस तरीके से जो बिल्कुल, भर्ती बिल्कुल, वो हुई बिल्कुल ढींगा साहब बिल्कुल हुए। अगर आपने आरोप लगाया, अगर सरकार ने ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए गहलावत जी जवाब देंगे, लेकिन ओंकार जी पूरी बात हुई नहीं अभी तो। मैं 2019 तक नहीं पहुंचा जहां तक अब आरोप है, अभी तो भ्रष्टाचार की फेयर स्टाइल लंबी नहीं, इसके साथ साथ ढींगरा साहब नहीं तो आप, आपके पास तो बहुत लंबी फहरिस्त है, आप उसका एक एक गिनाएंगे एक एक बताएंगे तो उसके लिए नहीं। आपने आरोप लगाया इसका जवाब भी मैं अब आप बात बता देता हूं। बिल्कुल जी आप अपनी बात पूरी कर लें ढींगरा साहब। देखिए जिस तरीके से ये हालात हुए और ये लगातार दोनों हाथों से हरियाणा का पैसे की बंदरबांट और लूट कर रहे हैं, और इस तरीके से हरियाणा को जो लूटा जा रहा है, आप देखिए 4.5 लाख करोड़ लोन हो चुका हरियाणा पे, वो पैसा कहां गया? श्वेत पत्र लाना चाहिए इनको कि हमने जो पैसा 60,000 करोड़ उस समय लोन था जिस समय हमारी सरकार गई थी 2014 में, आज 4.5 लाख करोड़ लोन हो गया, वो पैसा कहां गया? तो ये लूट योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की लगातार चल रही है साहब। ठीक लूट योजना, ओंकार जी ऐसा कुछ आपका भी कहना है कि आपके लिए सरकार ठीक है? देखिए रवि जी सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूंगा, आपने भूपेंद्र गहलावत जी से उनकी बात पूछी तो वो दूसरों की बात कर रहे थे। देखिए फरवरी 2023 से जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने रथ परिवर्तन पद यात्रा शुरू की तब से हरियाणा प्रदेश का माहौल बदला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 से पहले मुखिया विपक्षी दल भी इनेलो थी और सत्ताधारी पार्टी भी इनेलो ही बनती थी कांग्रेस के बाद, बीजेपी का कहीं नाम निशान नहीं था, दो सीट आती थी इनकी। ये तो 2019 में हमारे साथ कुछ विश्वासघात हुआ, कुछ स्वार्थी किस्म के लोग निकल गए जिससे हमारी सीट एक रगिस पार्टी और परिवार का बंटवारा हुआ। लेकिन जब से परिवर्तन पद यात्रा शुरू हुई है तब से हमारा कैडर दोबारा से मजबूत हुआ है। जहां तक संगठन की बात है हमारा संगठन पहले से ही मजबूत है, पदाधिकारी पहले से ही नियुक्त है। हाँ कार्यकर्ता रुष्ट होकर दूसरी तरफ चले गए थे जो वापिस आके कैडर वोट दोबारा वापिस आ चुकी है। देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब से घोषणा की है कि हम परिवार पेंशन को 7500 रुपए करेंगे, हर घर में एक गैस सिलेंडर फ्री, इन्होंने तो 370 की जगह 1150 कर दिया, हर घर में एक गैस सिलेंडर फ्री और प्रत्येक गृहिणी को 1100 रुपए प्रतिमा उसके खाते में, महंगाई का खर्चा बढ़ने की वजह से हर घर से एक रोजगार, रोजगार ना दिए जाने की स्थिति में पढ़े लिखे बेरोजगार को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, ओपीएस पेंशन दोबारा से लागू करेंगे, बीपीएल परिवार को 100 गज का प्लाट देंगे, और इसके अलावा बिजली के मीटर जो बहुत ज्यादा बिल देते हैं उन मीटर की जगह ऐसे मीटर लगाएंगे जो 500 रुपए पे गरारी फिक्स हो जाएगी। जब इन घोषणाओं से जनता को इफेक्ट आया तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बौखला गई। अब क्या है, ये लोगों के पास कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, हमारे पास संगठन है। इसके बाद अब 15 अक्टूबर से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की है, उस रथ यात्रा से हर एक गांव में जाएंगे वो। हम अपनी बात करती हैं, हम जनता के बीच में, आपने बहुत बढ़िया बात की रवि जी, आपने बोला लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है, कहते सारे हैं लेकिन आज मौजूदा सरकार से प्रत्येक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी अपराध पेपर लीक मामले प्रॉपर्टी आईडी परिवार पहचान पत्र ये मुख्य मामले ऐसे हैं जिनसे जनता परेशान हो चुकी है, और जनता विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ इनालों को देख रही है क्योंकि तो कांग्रेस आपसी गुटबाजी में है ना, कांग्रेस के पास संगठन है। आज अगर प्रदेश में कोई क्षेत्रीय दल देश में भला कर सकता है अपने क्षेत्र की तो क्षेत्रीय दल कर सकता है, इनेलो एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय दल है जो अपनी भूमिका भी बनाए हुए है। हाँ 2019 में हमें नुकसान हुआ, परिवार भी टूटा पार्टी भी टूटी, एक विधायक रह गया हमारा, लेकिन हमें फकर है वो एक विधायक सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रत्येक समस्या को उठाता है। कांग्रेस के पास 30 MLA है, मेरे भाई केवल ढींगरा जी कोई ऐसी बात बता दे कि विधानसभा में जब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठा बिल्कुल ओंकार जी, ढींगरा जी से पूछेंगे, ओंकार जी ढींगरा जी से पूछेंगे कि उनके विधायक और वो उनकी सरकार बनेगी कैसे बनेगी, वो भी रणनीति तैयार कर रहे हैं, विपक्ष में आप भी हैं वो भी हैं, तैयारी दोनों लोगों की है, पहुंचेगा कौन कुर्सी के पास है ये तो समय तय करेगा। फिलहाल ऐसा तो नहीं कि चुनाव नजदीक आ जाएगा एनडी गठबंधन ही बन जाएगा उसके बाद दोनों पार्टी एक साथ। फिलहाल गहलावत जी
और ढींगरा जी भी ओंकार जी भी दोनों लोगों ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने 5 सालों तक 4 सालों तक फिलहाल अभी आपका कुछ दिन बाद 4 साल आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप पूरी तरीके से तैयारी में हैं। जनता को लुभाना, योजनाएं और जनता के बीच में जाना, काम करना, आपको क्या लगता है कि इतने दिनों तक सरकार चलाया आपने, आपकी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री विधायक, मतलब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, कितना आपने जनता को खुश किया है, क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जो साथी प्रवक्ताओं ने हमारे पर आरोप लगाए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। खासतौर पर मैं ढींगरा साहब को बताना चाहता हूं कि इन्होंने घोटालों की बात करी। जो कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सारे घोटालों पर जमानत पर हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे पी चिदम्बर हो और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कमाल कर दिया, 6-6 केसेस में जमानत पर हैं। देखिए किस तरह से किसानों की बात किस मुंह से करते हैं। किसानों की जमीनों को इन्होंने नोटिस दे दिए और अपने आदमियों को भेज करके उनके रजिस्टर एग्रीमेंट करा लिया और फिर उन नोटिसों को वापस ले लिया। ऐसे ऐसे केस किसानों ने इनके ऊपर किए हुए हैं। दूसरा मैं ये कहता हूं, ये किसानों की बात ज्यादा करते हैं। इन्होंने अपने राज्य में क्या किया, जब से हमारी सरकार आई हम सबसे पहले किसान निधि योजना लेकर आए, हम 6,000 रुपए साल में दे रहे हैं, इन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया कभी। और मैं ये कहता हूं कि पहली बार किसानों की जो हम फसल खरीदते हैं 48 घंटे के अंदर पैसा सीधे तौर पर बगैर किसी पिचौलिए के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाने का काम होता है। बीपीएल कार्ड की बात ले लिए, इनके राज में क्या होता था, इनके जो दलाल होते थे वो छोड़े हुए थे, वो कहते थे पैसे जो दे देता था लिख देते थे कच्ची छात है, नहीं तो नहीं, जिसका वो लिखते थे उसका बन जाता था, नहीं तो रह जाता था। हमने पूरा पोर्टल सिस्टम लागू किया है और हमने एक इनकम फिक्स कर दी कि 1,80,000 रुपए तक जिसकी इनकम होगी उसका हम बीपीएल कार्ड बनाएंगे। हमने इसी तरह से पेंशन का कर दिया। इनके राज में दलाल होते थे जो 55-55 साल के लोगों की पेंशन बन जाती थी और जो लोग पैसा नहीं दे सकते थे वो 60-62 साल के गरीब लोग इसी तरह से रह जाते थे। देखिए इनकी जब इनकी सरकार थी तो मात्र इन्होंने 9-9.5 साल में 500 रुपए बढ़ाने का काम किया था। जब 2005 में इनकी सरकार बनी तो 500 रुपए पेंशन मिलती थी, इन्होंने 9.5 साल में 500 रुपए बढ़ाए, सिर्फ 1,000 रुपए पेंशन मिलती थी। हमने 9.5 साल में 2,000 रुपए बढ़ाए, 1,000 से 3,000 रुपए हमने पेंशन कर दी। अभी 250 हम और बढ़ा देंगे इसी साल, जब हमारे 9.5 साल पूरे हो जाएंगे तो हम पेंशन कर देंगे, 3,000 कर देंगे। और जितने भी 5 लाख तक का, 5 लाख तक का हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गहलावत जी और गहलावत जी आपने कहा कि जैसे नजदीक हो रहा है तो हम और बढ़ा देंगे, 500 और बढ़ा देंगे। इसी लेकर ढींगरा साहब मुस्कुरा रहे हैं और वो जवाब भी देना चाहते हैं, तो छोटा छोटा जो कमेंट है, हमारे पास समय कम है तो हम तीनों लोगों से लेंगे। ढींगरा साहब, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है बीजेपी पूरी तरीके से जनता के बीच में जाने के लिए, चाहे पेंशन हो उसमें भी बढ़ोतरी कर रही है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर क्षेत्र में बीजेपी काम कर रही है, ढींगरा साहब ये झूठ है, ये गलत है, ये गलत तथ्य है। असल में ये कुछ काम नहीं कर रहे, ये हरियाणा को लूट रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप पूरे 9 साल का इनका रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, इस पे एक भी जवाब नहीं दे पाए। अभी कैंसिल हो गई महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम में नंबर वन हो रखा है हरियाणा। सभी वर्गों की पिटाई कर चुके हैं, सरपंचों के, क्लर्कों की, आंगनवाड़ियों की, रोडवेज कर्मचारियों की, आशा वर्कर की, बॉस डॉक्टर्स की, टीचर्स की, कहां किसकी, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी इन्होंने कुटाई नहीं करी, जिसके ऊपर लाठियां नहीं भाजी। एक और जो भर्ती योजना थी उसको खत्म करके कच्ची भर्ती रोजगार लेकर रखे आए, जिससे आम पक्का रोजगार ही खत्म कर दिया। ये जो है ना, एक आम आदमी के ऊपर, उसको काम करने के ऊपर डाका है जो सरकार डाल रही है। अभी जो दूसरी बात कह रहे थे, कर्जा जो बढ़ा दिया 4.5 लाख करोड़, वो पैसा कहां गया, उसका श्वेत पत्र लाना चाहिए इनको। जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं देते। पीपीपी मोड, परिवार पहचान पत्र और पोर्टल, इतना बड़ा परेशान तंत्र है कि लोग इससे बड़े परेशान हो चुके हैं।
और अभी जो प्रॉपर्टी आईडीज है आप देखिए 90% प्रॉपर्टी आईडी में किसी के नाम गलत है, किसी के कोई नंबर गलत है, किसी का कुछ गलत है, वो बेचारा ना अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, ना उसके ऊपर कोई लोन ले सकता है, ना अपनी प्रॉपर्टी का कोई हल कर सकता है, ना किराए बेचना, बहुत बुरी हालात है। आवाज चलेगी दूसरी बात, बाढ़ इतनी ज्यादा आई पिछले टाइम के अंदर, वो लोग मुआवजा लेने के लिए तरसते रहे, उनको मुआवजा नहीं दिया इस सरकार ने, 5,000 के करीब स्कूल बंद कर दिए, माइनिंग इतनी बड़ा घोटाला है कि एक डीएसपी को ऊपर डंपर चढ़ा दिया, उसको मार दिया जान से, और उसके बाद एक डीएसपी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, वो बेचारा बच गया, एक एसडीएम पे चढ़ाने की कोशिश करी, वो बच गया, पुलिस तंत्र फेल, और इनके मंत्री और सभी लोग जितने भी है घोटालों में लगे हुए हैं, माइनिंग घोटाला भी एक उसका बहुत बड़ा परिणाम है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं हो पा रही इनसे, और सबसे बड़ा पेपर लीक, जितने पेपर लीक हुए हैं इनके टाइम के अंदर, आप देखिए एक डिप्टी सेक्रेटरी है एचपीएससी का, वो कई करोड़ रुपए अपने दफ्तर में लेते पकड़ा गया, कोई क्या कार्रवाई हुई, एक डिप्टी सेक्रेटरी कोई भर्ती नहीं कर सकता, लेकिन वो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, या तो चेयरमैन के थ्रू ले रहे हैं या मुख्यमंत्री के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन पैसे ले रहा है और कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, एसआईटी बनती है उसको उसको अंडर टेबल कर देते हैं जैसे शराब घोटाले में किया, इसी तरह से प्रकाश सिंह कमेटी किसानों के भी। ढींगरा साहब, जितना अगर बीजेपी ने किया है, गहलावत जी ने आपको जवाब भी दिया है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है और जनता के बीच में ऐसा मैसेज दिया है, जनता समय आने पर जवाब जरूर देगी। ओंकार जी, क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में, जैसा कि गहलावत जी भी कह रहे हैं और ढींगरा साहब भी कह रहे हैं कि लगातार नहीं, ढींगरा साहब आरोप लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में वही पार्टी जगह बना पाती है जो जनता की वाकई दुख दर्द तक पहुंचती है, ये जनता को बखूबी पता होता है, टीवी चैनल्स पे बैठकर, डिबेट में बैठकर, या फिर दूर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के लिए कह देना, नहीं जनता के तो हमारे लिए भगवान है, जनता के लिए हम ये कर देंगे, ये बना देंगे, ये कर देंगे, आने वाले कल में 5 सालों तक हमारी सरकार रहेगी तो बस सिर्फ और सिर्फ जनता का ही राज रहेगा, जनता का ही शासन रहेगा, जो मन चाहे, जो भी बिजली, पानी पानी, बिजली फ्री, तमाम चीजें जो है वो फ्री फ्री फ्री, वही आम आदमी पार्टी वाली स्कीम। क्या आपको लगता है आने वाले कल में राजनीति बदल रही है? आपको ही पता है ओंकार जी, आपको भी पता है ढींगरा साहब, आपको भी पता है गहलावत जी, राजनीति बदल रही है और राजनीति के साथ जनता बदल रही है, जनता को बखूबी पता है उसके दुर्दर्द, उसके समय के साथ कौन पार्टी खड़ी हो रही है, कौन नहीं खड़ी हो रही है, कौन बात कर रही है, कौन नहीं बात कर रही है, और योजनाओं को लेकर कौन पार्टी काम कर रही है। ओंकार जी, रवि जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपने कहा जनता सर्वोपरि है, बिल्कुल ठीक, कोई पार्टी जनता के दिल में जगह बना पाती है जो जनता के बीच में रहती है। आप देख लीजिए पिछले 5 साल में इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता और यहाँ तक कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक सड़क में रहे, क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, बीजेपी को तो अब जनसंवाद याद आया, 9 साल के बाद याद आया इनको, अगर इन्होंने कार्य किया होता तो जनसंवाद की जरूरत नहीं पड़ती। और ठीक कहते हैं भाई अभय सिंह चौटाला जी, ये जनसंवाद नहीं करते मुख्यमंत्री जी, ये तो जनता का स्वाद लेते हैं, और पहले सिर्फ मुख्यमंत्री स्वाद ले रहे थे, अब इनके एमएलए भी स्वाद लेंगे, अब मुख्यमंत्री स्वाद कैसे लेते हैं? एक महिला कहती है, रोजगार की बात करती है, वो कहते हैं मुख्यमंत्री तेरे को चंद्रयान के ऊपर भेज देंगे, चंद्रयान 4 जाएगा, ये स्वाद ही तो ले रहे हैं। एक महिला कहती है कि मेरे फलां फलां बेटे का काम है, उसको कहते हैं इस पार्टी की नहीं दूसरी पार्टी के, इसको बाहर ले जाओ, एक सरपंच बोलती है उसको भी बाहर कर देते हैं, ये बहुत अजीब बात है। अगर इन्होंने कुछ किया तो इनको जनसंवाद की जरूरत ना पड़ती। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, मैं अंबाला छावनी का रहने वाला हूँ और अंबाला छावनी के गृह मंत्री अनिल विज जी भी है, 2 दिन पहले अंबाला का सब इंस्पेक्टर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, और अनिल विज जी का नकली ओएसडी बनके बीजेपी का मंडल उप प्रधान वो रिश्वत के मामले में जेल चला गया। ये भ्रष्टाचार आज चरम पर है, ये कहने को है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सवाल ओंकार जी वो नहीं है, और जनता समय आने पर, जैसा हमने कहा कि जनता समय आने पर जवाब देगी, फिलहाल ओंकार जी आपने आरोप लगाया, हमारे पास समय कम है, गहलावत जी आपका, ढींगरा साहब आपका, ओंकार जी आप, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि 2024 की राजनीति के लिए बीजेपी, कांग्रेस, एनएलओ समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से जनता के बीच में पहुंचना चाहती है, जनसंवाद करना चाहती है, जनता और अपनी अपनी ताल ठोक रही कि इस बार हमारी सरकार,
वो जनता बताएगी 2024 में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल मसला में हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।